हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल एजे टेक्नो पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस 41520 भर्ती के बारे में, जिसकी प्रक्रिया अभी फ़िलहाल चल रही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि इनके मेडिकल नहीं हुए हैं। बहुत सारे बच्चों का सर मेडिकल तो हो गए हैं बट अभी इनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ, और बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि उनके ज्वाइनिंग लेटर कब तक आने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज जितने भी डाउट्स हैं आप सभी को इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आप अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी और हमेशा आप अपडेट रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे था, मुझे मैसेज और कॉल और व्हाट्सएप भी बहुत ज़्यादा और कमेंट भी यूट्यूब पर बहुत सारे मिले हैं कि मेडिकल नहीं हुआ है, मेडिकल आधे बच्चों का हुआ है और आधे का नहीं हुआ है। तो दोस्तों इसकी ये बात करते हैं अगर मेडिकल वाली, तो यहाँ पे जो मेडिकल का प्रोसेस था, जिन बच्चों का हो गया है उनका तो ठीक है, उनका जिनका अगर मेडिकल हो गया तो उनका वेरिफिकेशन 2 से 3 दिन के अंदर ही बुला लिया जाएगा। और बात करते हैं जिनका मेडिकल नहीं हुआ है, तो उनका भी मेडिकल हो जाएगा, बट सर से उनका जो भी हाल ही में जो यूपी पुलिस की तरफ से एक लिंक जारी किया था गया था, जिसमें उनका स्कोर कार्ड दिखाया जा रहा है। अगर आपका स्कोर कार्ड नहीं दिखाया जा रहा है तो आपका मेडिकल 100% होगा। अगर आपका मेडिकल स्कोर कार्ड उसमें शो कर रहा है तो आप वहां से फाइनल लिस्ट से आपको बाहर कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वहाँ पर स्कोर कार्ड शो कर रहा है तो फिर आपका मेडिकल नहीं होगा, ठीक है। एक डाउट ये था, जो सबसे बड़ा डाउट था ये मैंने क्लियर कर दिया। और दोस्तों एक डाउट और है कि अभी जिनका बच्चों का मेडिकल नहीं हो रहा है, उनका नाम कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनका मेडिकल कब होगा, कहाँ पर होगा, लिस्ट कब लगेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो चुनावी प्रक्रिया है इसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, तो इसी को देखते हुए अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। जैसे ही आपके हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग कहीं नामांकन चल रहे हैं तो कहीं कुछ चल रहा है, जैसे ही थोड़ा सा ख़त्म होता है तो आपका मेडिकल ज़रूर करवा लिया जाएगा। और जैसे ही आपका मेडिकल हो जाएगा तो उसके 2 से 3 दिन के अंदर आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन में मेरा एक सरेनी थाने से कल एक बच्चे का फ़ोन आया था, जिसमें उसे सिर्फ आधार कार्ड और प्रधान का चरित्र मंगवाया गया। तो इसी तरह आपका भी फ़ोन आएगा तो जो डॉक्यूमेंट्स वो आपसे मंगाते हैं तो आप वो डॉक्यूमेंट लेके चले जाइएगा, और ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं आपकी ज्वाइनिंग, तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो उसके 5 से 6 दिन के अंदर आपकी ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगी। चाहे जैसे भी आप, चाहे वो आपको बुलाएं या फिर आपको पोस्ट ऑफिस द्वारा कैसे भी हो, बट आपको 5 से 6 दिन के अंदर वेरिफिकेशन होने के बाद 5 से 6 दिन के अंदर आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में होगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, और जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर करने के मैंने कोशिश किया है सब। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ जो भी यूपी पुलिस में सिलेक्टेड हुए, जिनका भी कोई डाउट्स रहते हैं आपके पास, मैसेज करते हैं ऐसा है वैसा है, कुछ पता चला कुछ पता चला, तो उनको शेयर करते रहिएगा, तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी वीडियो आपको, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है अगर आपको अभी तक, तो आप नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई 100% मिलेगा 100%। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो ताकि आप हमेशा अपडेट रहेंगे नई न्यूज़ के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।